ये सीधा सीधा बीजेपी वालों का तानाशाही हो रही है यहाँ पे, वो इंसाफ नहीं दे रहे। जब ये गोल्ड मेडल लेके आते तो मोदी जी बोलते हैं हमारी बेटी, और यहाँ जब 14 दिन से बैठे तो उसको दिख नहीं रहा मोदी को कि हमारी बेटी है। वो जो मोदी बोलेगा, जो मोदी वो दिखाएंगे, वो दिखा लिया उसके अलावा उन्होंने, तो ये बहुत ही गलत बात है। गोदी मीडिया को बिल्कुल सही सही रिपोर्ट दिखानी चाहिए ग्राउंड पे आके, ऐसे वहाँ बैठ के झूठ नहीं फैलाना चाहिए, तो जनता को गुमराह कर रही है ये। मैम मैं आपने देखा उस रात कितना यहाँ पे गलत हुआ, ये सब मोदी और अमित शाह के किया गया। क्यों? क्योंकि सारी पुलिस और ये जो मिलिट्री है ये सारे मोदी और अमित शाह के अंडर में आते हैं, और सब कुछ उनका कराया कराया है। अगर वो इशारा ना करते तो यहाँ कुछ ना होता। उन्होंने ये अपने, मैं तो बोलूँगा वो पुलिस वाले नहीं थे, वो इनके गुंडे थे, पुलिस की वर्दी में आए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है, महिला पहलवान धरने पे बैठी हुई हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सर से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है, कब तक इन बेटियों को न्याय मिलेगा। सर क्या लग रहा है, जिस तरह से ये बेटियाँ, बारिश हो या धूप हो, जो गोल्ड मेडल लेके आती हैं बेटियाँ, अब वही बेटियाँ यहाँ जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, क्या लग रहा है आपको? मैम आप देख सकते हो, जैसे कि 14 दिन हो गए हैं, इनको इंसाफ का नाम नहीं है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, और हम यहाँ से इंसाफ लेके ही जाएंगे, इसे मतलब नहीं हटने वाले। ये सीधा सीधा बीजेपी वालों का तानाशाही हो रही है यहाँ पे, वो इंसाफ नहीं दे रहे। जब ये गोल्ड मेडल लेके आते तो मोदी जी बोलते हैं हमारी बेटी, और यहाँ जब 14 दिन से बैठे तो उसको दिख नहीं रहा मोदी को कि हमारी बेटी है। तो आप देख सकते हो, सिर्फ सत्ता का लाभ लेके बैठे हुए सारे बीजेपी के लीडर, उनको देश की परवाह नहीं, उनको बेटी की परवाह नहीं। मोदी बोलता है बेटी बचाओ, बेटी हैं पढ़ाओ, तो ये बचाओ हो रहा है कैसे बोल सकते हैं? ये तब तक नहीं उठेगा जब तक ब्रजभूषण को हम जेल के अंदर नहीं घुसा देंगे। तो सर, खेल मंत्री का बयान आया है कि केस दर्ज हो गया है, तो अब ये धरना हटा देना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। मैम केस दर्ज हुआ है, केस दर्ज तो लाखों लोगों पे हैं, किसी किसी को फांस मिली। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ब्रजभूषण को जेल के अंदर ना फंसा दें, या उसको कानून तहत उसको फांसी की सज़ा हो तब तक। FIR तो बहुत लोगों पर हुई है, आप देख सकते हो अजय टैनी मिश्रा का जो बेटा है उसे किसानों पर चढ़ाई है, उस पर FIR होगी, वो भी बाहर घूम रहे हैं। ऐसे तो इन पर बहुत FIR होती हैं, ये तो घूम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सत्ता इनकी है, बीजेपी के लीडर इनकी है, सब कुछ खरीद लेते हैं ये, तो तब तक हम नहीं उठाएंगे जब तक ये नहीं जाता यहाँ से। क्या लग रहा है, कहा जाता है कि अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया, तो क्या सच में लग रहा है कि हम सब अमृतकाल में जी रहे हैं? मैम अमृतकाल की बात क्या कर रहे हो, इतनी महंगाई हो रखी है। मोदी कहता है कि हम, मैं भी शुगुरु बनाऊंगा इसको। मैम देख सो कितनी, मोदी जी तो ये भी कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। मैम वो झोले में पता नहीं क्या क्या चीज़ लेकर जाएगा, 2024 में चेक करके भेजेंगे उसके झोले को, क्या क्या लेके जा रहा है, क्या क्या लेके जा रहा। ऐसे फकीर तो बहुत आते हैं, ऐसे बाबा बहुत बड़े बनते हैं कि हम ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे, सब चेक किया जाएगा मोदी का 2024 में जो जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ तो बेच दिया इसने, रेल बेच दी, खेल बेच दी, सब बेच दिया इसने, अब ये मान सम्मान की लड़कियों की वो भी बेच रहा है। कुछ कह रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया गया है। मैम ऐसी बात किस, कौन कौन फैला रहा है ऐसी बातें? ये सारी गोदी मीडिया की बातें फैलाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं, अगर ये सरकार कुछ अच्छा करती तो लोग अच्छा बोलते, अब यहाँ लोग खड़े हैं कौन अच्छा बोलता, कोई नहीं बोलता, कोई ने कुछ किया ही नहीं, बस ये वो बोर्ड पर इनकी होल्डिंग्स पे इनके जो भी इन्होंने कारनामे किए, और गोदी मीडिया इनको पैसे देकर उसको ये वो बुलवा देती है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। गोदी मीडिया बोल रहे हैं लगातार कवरेज कर रही है, लाइव कवरेज कर रही है। मैम आप देखो कहाँ कर रही है वो, वहाँ पे सिर्फ अतीक की बीवी चल रही है और कुछ चल ही नहीं रहा, वो दिखाई नहीं रहे। हाँ वो दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, यह लंगर चल रहा है, ये देखो खालिस्तानी बैठे, ये देखो पाकिस्तानी बैठे, इनको फंडिंग हो रही है, वही वो दिखाएंगे, वो ये दिखाएंगे ग्राउंड पे आके। आप लोगों को अभी भी डर सता रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया खालिस्तानी बता देगी? मैम वो तो काम ही है, उन्होंने किसानों में 13 महीने बैठे थे, उन्होंने ये तो किया, पाकिस्तानी आतंकवाद यही तो बोला है, वही दिखाती है, वो सच्चाई दिखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर आ रखा है, वो जो मोदी बोलेगा, जो मोदी वो दिखाएंगे, वो दिखा लिया उसके अलावा उन्होंने, तो ये बहुत ही गलत बात है। गोदी मीडिया को बिल्कुल सही सही रिपोर्ट दिखानी चाहिए ग्राउंड पे आके, ऐसे वहाँ बैठ के झूठ नहीं फैलाना चाहिए, तो जनता को गुमराह कर रही है ये। तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से बारिश के दिन उस रात में आंदोलनकारियों के बीच में, पुलिस वालों के बीच में झड़प हुई है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक रेसलर्स हैं उनके सर में चोट आई है काफ़ी ज़्यादा, और एक लड़की है जो स्टूडेंट है उसका पैर टूट गया। मैम मैं आपने देखा उस रात कितना यहाँ पे गलत हुआ, ये सब मोदी और अमित शाह के किया गया। क्यों? क्योंकि सारी पुलिस और ये जो मिलिट्री है ये सारे मोदी और अमित शाह के अंडर में आते हैं, और सब कुछ उनका कराया कराया है। अगर वो इशारा ना करते तो यहाँ कुछ ना होता। उन्होंने ये अपने, मैं तो बोलूँगा वो पुलिस वाले नहीं थे, वो इनके गुंडे थे, पुलिस की वर्दी में आए, क्योंकि पुलिस वाला कोई भी ड्रिंक करके यहाँ नहीं करता जो अपनी ड्यूटी, वो ड्रिंक करके आए थे, तो पुलिस वाले नहीं थे, वो गुंडे थे, बीजेपी के भेष में आए थे, सॉरी पुलिस के भेष में आए थे।
तो क्या लग रहा है कि जो बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रदर्शन कर चुकी हैं, खेल चुकी हैं, जब उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है तो आम महिलाओं की दशा क्या होगी, इसको कैसे देखते हैं? मैम आप खुद देखिए ना, आजकल महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? यूपी में कितना रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, दिल्ली में देखो। यूपी की सर बात छोड़िए, यूपी में राम राज चल रहा है। अरे मैम कहाँ का राम राज चल रहा है, योगी ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया है, वहाँ पे इतनी महिलाओं का रेप हो गया। चलो यूपी के बात करते हैं, अमित मिश्रा टैनी है, योगी बोलता है मिट्टी में मिला देंगे, तो मिलाया मिश्रा उसको, अमित शाह सॉरी उसके बेटे को है, ये भी यूपी का ही है भूषण, इसको भी डाले डेल, क्यों नहीं डाल रहा, यूपी के है ना तो डाले। फिर वैसे वो बहुत बोलता है मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो मिलाए ना दोनों भी उसके हैं यूपी के ये लीडर, तो क्यों नहीं मिला रहा मिट्टी में? तो कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली हैं, इसीलिए कार्यवाही नहीं हो रही है। और क्या मैम आप खुद नहीं देख रहे, क्योंकि उससे एक बार टीवी में खुद बोला था कि अगर मैंने सच बोला तो यहाँ पे सरकार हिल जाएगी, सबके पत्ते खोल दूंगा, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी उसने बोला है, तो वो तो डर रहे हैं उससे, क्योंकि उसका गई सरकार वो तो सारे भेद खोल देगा बीजेपी के, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता सब बह जाएंगे उसमें, तो इसलिए उसको बचाया जा रहा है। और ये 2024 तक लग रहा लंबा चलेगा, और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो जेल में जाएगा और हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम पूरी तैयारी से हैं, हमारे पास खाने पीने का सामान पूरा है, हम 13 महीने कर सकते हैं, 13 साल भी करेंगे, पर यहाँ से नहीं जाएंगे। जब किसान समर्थन दे रहे आ रहे थे तो तमाम जगह बॉर्डरों पे उन्हें रोका गया, इसको कैसे देखते हैं? मैम ये तानाशाही है मैम, ये तो किसानों में भी था, हर जगह सील कर दिया बॉर्डर जो इनको समर्थन देने आ रहे थे। हम यहाँ को प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, मारपीट थोड़ा करने आ रहे हैं, वहाँ पे सब शांति से बैठे हैं, पुलिस की और इनकी गुंडागिरी है अमित शाह उनकी रोक रहे हैं, आना चाहिए सबको, आने देना चाहिए, ये नहीं चलेगा गुंडागिरी। इन्होंने किसानों में बैरिकेड लगाए थे, फिर भी हम आए थे, पर हम ऐसे आएंगे, और कल सारे नेता यहाँ पे आएंगे तो आप कल आके देख सकते हैं, कल यहाँ पे पूरा जनसलाब होगा, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट में आएंगे। आप अपने और भी लोगों को लेके यहाँ पे डटे रहेंगे? और क्या मैम, मेरे और दोस्त भी आएंगे, हम बहुत लोग लेके आऊँगा मैं यहाँ पे, तब तक नहीं लेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। हमें ब्रजभूषण जेल के अंदर चाहिए, बाहर नहीं, क्योंकि वो बाहर रहा तो ऐसी बहुत बहन बेटियों का वो ऐसे दुर्दशा कर सकता है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों से जो कहा जा रहा था कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है या सिर्फ हरियाणा से आया, आप आके यहाँ ग्राउंड पे जब देखेंगे तो अलग अलग राज्य से लोग आए हैं और इन बेटियों को समर्थन दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी, इस खबर में बने रहें आप। धन्यवाद।